इंडिया का गढ़ है दिल्ली। 36 साल से जेटली स्टेडियम में कोई टेस्ट नहीं, हारा भारत। ऑस्ट्रेलिया यहाँ 63 साल से नहीं जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जाएगा। यह 8वीं बार होगा जब दिल्ली में दोनों टीम एक दूसरे के सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए दिल्ली में जीतना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जेटली स्टेडियम टीम इंडिया का गढ़ है। यहाँ हमेशा भारत का बोलबाला रहा है। ऑस्ट्रेलिया अब 1959 में यानी 63 साल पहले एकमात्र टेस्ट जीता है, जबकि इस मैदान पर भारत 36 साल से अजय है। दिल्ली टेस्ट भारत के लिए जितना जरूरी है क्योंकि अगर भारत जीतता है तो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बन जाएगा, साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अपना स्थान तय कर लेगा। इस टेस्ट में जीत भारत को तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना देगी। दिल्ली के इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया आखिरी बार 2013 में टेस्ट खेलने आया था। उस दौरान भारत यहां 6 विकेट से जीता था। लगभग 10 साल बाद दोनों टीम इस मैदान पर आमने सामने होंगी। अरुण जेटली स्टेडियम में भारत आखिरी बार 1987 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारा था। इसके बाद मैदान पर 12 टेस्ट हुए जिसमें से 2 ड्रॉ हुए और 10 जीते। आखिरी टेस्ट भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में खेला था जो कि ड्रॉ रहा था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।